प्रतिगामी स्खलन या रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन या प्रतिगामी स्खलन या स्खलन होना ही नहीं, इसके बारे में आज चर्चा है। क्या होता है कि जब इजैकुलेशन होता है, मतलब स्खलन जो होता है, वीर्य स्खलन जब होता है, तब वो वीर्य, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है ऑर्गेजम, जिसमें उसको बहुत चरम सीमा पर वो पहुँच जाता है, चरम सीमा पर पहुँच जाता है, बहुत आनंद का अनुभव लेता है पुरुष, और उस समय स्खलन हो जाता है। अब ये दोनों बातें अलग अलग हो सकती है। मतलब कैसा कि चरम सीमा पर पहुँचता है, आनंद मिलता है, इजैकुलेशन का अनुभव भी आता है, स्खलन का अनुभव भी उसको आता है, मगर वीर्य बाहर निकलता नहीं है। वीर्य बाहर निकलने के बदले वो अंदर ही रहता है, और वो क्या करता है कि वो जाता है मूत्र मार्ग से मूत्राशय में। ये लोगों में होता क्या है कि मूत्र मार्ग जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट, वहां जो स्पिंक्टर रहता है एक वॉल जैसा, तो वीर्य निकलने के समय वॉल बंद हो जाता है और वीर्य का रास्ता क्लियर कर देता है। अब ये वॉल बंद नहीं हुआ, ये स्पिंक्टर बंद नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये जो वीर्य बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकलने के बदले वो जाएगा वापस मूत्र मार्ग में और मूत्राशय में, और बाद में पेशाब के साथ में बाहर आएगा। तो इसको बोलते हैं ड्राई इजैकुलेशन या प्रतिगामी वीर्य स्खलन या प्रतिगामी स्खलन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो इसमें वैसा यदि प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ भी करने लायक नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है, आनंद आता है, सेक्स का आनंद पुरुष को आता है, स्त्री को भी आता है, सभी ठीक है, मगर इसमें बच्चा होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यदि वीर्य अंदर जाएंगे नहीं हजाना में, तो बच्चा कहाँ से होगा? तो बच्चा यदि चाहिए तो फिर इसका इलाज करना पड़ेगा, और बच्चा यदि नहीं चाहिए, बच्चे हो गए और बाद में यह प्रॉब्लम आ गया, तो फिर कोई करने की जरूरत ही नहीं इलाज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का। इसमें आनंद आता है तो फिर लोग बेफिक्र रहते हैं, ठीक है बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि स्खलन होने के बाद में ही स्त्री को समाधान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। पुरुष का स्खलन और स्त्री का समाधान, इसका कोई मेलजोल नहीं है, मतलब उसका समाधान होगा नहीं होगा वो स्खलन के ऊपर नहीं है। तो स्त्री का भी समाधान होगा, पुरुष का भी समाधान होगा, सिर्फ इतना है कि वीर्य बाहर निकलता नहीं, वो अंदर ही रह जाता है और पेशाब के साथ में बाहर आएगा। बच्चा होना है तो फिर इसका इलाज करना होगा। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो स्पिंक्टर जो है वो बंद होना चाहिए। क्या होता है कि जब पेशाब बाहर निकलती है तो वीर्य मार्ग बंद हो जाता है, वीर्य बाहर निकलता है तो मूत्र मार्ग बंद हो जाता है। ये दोनों ऐसा मेलजोल चलता है उनका आपस में। अब ये मेलजोल जो चलता है, उसका मेलजोल बिगड़ गया तो फिर ये ऊपर चले जाएगा वापस वीर्य, और वो जाएगा मूत्राशय में। तो मूत्राशय का जो स्पिंक्टर है वो बंद करने के लिए फिर हमको दवाई देनी पड़ती है। उसके लिए दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, वो टैबलेट लेते हैं तो उससे फ़ायदा होता है और वो स्पिंक्टर बंद हो जाएगा, और स्पिंक्टर बंद होगा तो वीर्य स्खलन बाहर होगा। इसका और चरम सुख मिलने का कोई वैसा संबंध, ऑर्गेजम का वैसा कोई संबंध है नहीं। ये बहुत कम है, वैसा काफ़ी कम मात्रा में होता है, मगर जिनको हुआ उनको फिर लगता है कि नहीं, अपने को मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया, स्खलन तो हुआ ही नहीं, मैंने स्त्री को समाधान तो दिया कि नहीं होगा, पता ही नहीं है, वीर्य बाहर निकल नहीं रहा है, ऐसा उनको लग सकता है। इसलिए भी उसका इलाज करना जरूरी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक नीचे दी हुई है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि हमारे हिप्नोटिज्म के वेबिनार्स, सेक्स के वेबिनार्स, बिजनेस के वेबिनार्स, ट्रांसफॉर्मेशन के वेबिनार्स फ्री में होते हैं, उसकी जानकारी आपको मिलते जाएंगे, और वो वेबिनार में आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये
ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख के दिया हुआ है, लिंक दी हुई ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।